हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस आज हम लोग अपनी GTA 5 के अंदर पुश का मोड इंस्टॉल करने वाले हैं। तो अगर आप कोई फ़नी सीन क्रिएट करना चाहते हैं तो ये आपके बहुत ही काम आएगा। यानी कि ऐसे अगर आप किसी बंदे के पास जाकर अपने माउस का लेफ्ट वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये उस बंदे को पुश करेगा, यानी कि धक्का देगा। तो अगर आप इस पुश के मोड को अपने GTA 5 के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपकी वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले आपने इस मोड को डाउनलोड कर लेना है। इस मोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा पुश एंड शो 1.3। तो आप यहाँ से इसकी कुछ पिक्स वगैरह देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आदमी इसको पुश कर रहा है। यहाँ से मैं इसे कट करता हूँ। इसके बाद ये साइड पर आपको डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा होगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर भी आपको एक डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा होगा, तो आपने इस पर क्लिक करके अपने मोड को डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप इसे यहाँ से मिनिमाइज़ कीजिए। उसके बाद इस मोड को डाउनलोड करने के बाद इस मोड की कुछ रिक्वायरमेंट भी हैं, तो आपने उन्हें भी डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि script.vi.net और native.ui। तो मैंने सबको डाउनलोड कर रखा है, तो आप भी इन्हें डाउनलोड कर लें। मैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपने ओपन करनी है अपनी GTA 5 की डायरेक्टरी। यहाँ से मैं ओपन फाइल लोकेशन पर जाता हूँ। उसके बाद अपने मोड की फाइल को ओपन कीजिए। तो सबसे पहले आपने अपनी GTA 5 की डायरेक्टरी के अंदर आपने एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और उसको आपने स्क्रिप्ट का नेम दे देना है। तो मैंने पहले क्रिएट किया हुआ, इसलिए मैं यहाँ से सिंपली इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको तीन इस जो मूड की फाइल पर दो फाइल नजर आएंगी, पुश एंड शोव डॉट ini और पुश एंड शोव डॉट dll। तो आपने दोनों फाइल्स को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है अपने GTA 5 के स्क्रिप्ट के फोल्डर में। तो मैंने पहले किया हुआ, इसमें यहाँ से इसे रिप्लेस कर देता हूँ। उसके बाद अपने जो आपने वो तो तीन रिक्वायरमेंट्स आपने डाउनलोड किए हैं, आप उन्हें भी ओपन कर लें। तो यहाँ से मैं उन्हें ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रिप्ट वी वाली फाइल को ओपन कीजिए। बिन के फोल्डर पर जाइए। तो यहाँ पर आपको तीन फाइल नजर आएंगे, तो आपने तीनों फाइल्स को अपनी GTA 5 की डायरेक्टरी में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मैं यहाँ से अपनी GTA 5 की डायरेक्टरी में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा तो आप रिप्लेस कर दीजिए। उसके बाद आप ओपन कीजिए अपनी script.vi.net वाली फाइल को। तो यहाँ पर आपको जितनी भी फाइल नज़र आ रही हैं, आपको सभी फाइल्स को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें अपनी GTA 5 की डायरेक्टरी में। तो सिर्फ आपने lesson.txt और readme.txt की फाइल को छोड़ देना, बाकी तमाम फाइल्स को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना अपनी GTA 5 की डायरेक्टरी में। तो मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ। उसके बाद आप अपने ओपन करना है release.zip, यानी कि जो हमारा नेटिव है, तो आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप अपनी GTA 5 की डायरेक्टरी में आइए। जो आपने स्क्रिप्ट का फोल्डर क्रिएट किया था, आप उसे ओपन कीजिए। तो यहाँ पर आपको दो फाइल नजर आएंगी, native.xml और native.dll। तो आपने दोनों फाइल्स को यहाँ से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना अपनी GTA 5 के स्क्रिप्ट के फोल्डर में। तो मेरे पास स्पेस का ऑप्शन आता है, मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपने और कुछ नहीं करना, आपके मोड बिल्कुल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है GTA 5 के अंदर। तो मैं अब आपको इसको कुछ गेम प्ले दिखा देता हूँ कि मूड कैसे वर्क करता है। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको अपनी गेम के अंदर मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारी गेम बिल्कुल सक्सेसफुली प्ले हो चुकी है। तो पुश करने के लिए आपको पहले तो किसी भी आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर तो ये जो बंदे हैं ये अब खड़े हो चुके हैं। तो जैसे ही आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रैंकलिन उन्हें पुश कर रहा है। तो हम यहाँ से अब इस बंदे पर ट्राई करके चेक करते हैं। तो यहाँ से आप फ्रेंड्स चेक कर सकते हैं कि जो हमारा मूड है बिल्कुल सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।